हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया डिज़ाइन देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हमें चार कलर चाहिए। पहले एक क्रीम है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले मैजिक रिंग बनाए, इसके लिए हमें 6 चेन लेना है और बाद में उसे ज्वाइन कर लेना है। 6 चेन में हम अब सर्कल बनाएंगे। पहला सर्कल हमारा मिनिमम 18 से 22 तक क्रोशिया इसमें आना चाहिए, ताकि हमारा ये थालपो से बहुत बड़ा बनने वाला है, तो हमें थोड़ा बड़ा बनाना है। इसलिए तो हम इसमें 18 क्रोशिया डालते हैं। तो हम एक के बाद क्रोशिया डाल रहे हैं। टोटल 18 क्रोशिया बुन जाने के बाद हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम वो पहला राउंड है इसमें टोटल काउंट कर लेंगे कि 18 क्रोशिया है या नहीं, फिर बाद में हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो ये हमारा 18 क्रोशिया पूरा हो गया है। अब हम पहले और लास्ट वाले को स्लिप नॉट लेके ज्वाइन कर लेंगे। 2 चेन लेंगे और दूसरा राउंड हम बुनने लगेंगे। तो यहाँ हम पहले एक में एक क्रोशिया लेंगे, दूसरे में दूसरा क्रोशिया लेंगे और बीच में एक दो क्रोशिया छोड़ के 3 चेन लेंगे और बाद में फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से 3 चेन बुन लेंगे, फिर से एक क्रोशिया छोड़ के वहाँ पे हम 2 क्रोशिया बुन लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से 2 क्रोशिया डालेंगे, फिर से 3 चेन। वैसे हमें पैटर्न बनाना है। सेकंड राउंड में 2 क्रोशिया 3 चेन, 2 क्रोशिया 3 चेन, 2 क्रोशिया 3 चेन। तो यहाँ मैंने बना ली है 2 क्रोशिया 3 चेन, 2 क्रोशिया 3 चेन। सारा सर्कल पूरा करने के बाद हम काउंट करेंगे कितना होगा। यहाँ मैंने टोटल 9 ग्रुप बनाना है। 2 जो क्रोशिया डाला है वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे हमें 9 ग्रुप बनाना है। तीसरा राउंड शुरू करने में हमें 2 चेन लेना है, बाद में हमें क्रोशिया डालना है। अब हमें दूसरा राउंड में टोटल 4 क्रोशिया डाल, 4 क्रोशिया डाल के चलना है। तो हम यहाँ पे देखो, पहले 2 चेन बुनेंगे, बाद में पहले क्रोशिया जो पहला है उस पर ही पहला क्रोशिया डालेंगे, दूसरे में दूसरा क्रोशिया डालेंगे और जो लास्ट में पहली चेन थी उसमें हम 2 क्रोशिया डालेंगे। इसलिए हमारा ग्रुप 4 का हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 क्रोशिया डाला है, बाद में 2 चेन लेना है, फिर से हमने जो पहले बुना वैसे ही 1 क्रोशिया बुनना है, दूसरा क्रोशिया और अब लास्ट में एक साथ 2 क्रोशिया बुनना है। तो यहाँ पे टोटल 4 क्रोशिया होगा। तो सारा का सारा राउंड ऐसे ही बुन लेना है। 1 पहला क्रोशिया, दूसरा क्रोशिया और एक साथ 2 क्रोशिया बुन लेंगे तो 4 क्रोशिया हो जाएंगे और बीच बीच में हमें 2-2 चेन लेनी है। तो सारा का सारा राउंड में हमें ऐसे ही बुन कर जाना है और देखो ऐसे दिखता है कई 2 पर 4। सारा राउंड हम लास्ट में 2 डालेंगे। सारा राउंड वैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, 4 क्रोशिया 4 क्रोशिया 4 क्रोशिया। अब यहाँ हम 2 चेन लेके दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, सॉरी तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमें 2 चेन लेके नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। तो हम पहले में 1 क्रोशिया डालेंगे,
दो चेन के पास है तो हमें कभी कंफ्यूज कर देता है, बट कोई बात नहीं, आप उसे कंफ्यूज नहीं होना। एक एक नखना डालना है और लास्ट में दो क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने लास्ट में, लास्ट वाला क्रोशिया में मैंने दो क्रोशिया बुना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाता है। दो चेन लेना है, फिर से सॉरी तीन चेन लेना है, वन क्रोशिया, एक क्रोशिया, एक क्रोशिया, एक क्रोशिया, चार बार वन 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 और लास्ट में दो क्रोशिया डालना है। तो टोटल होगा छः क्रोशिया, बाद में तीन चेन लेनी है, फिर से एक 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 दो, तो टोटल छः क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस राउंड में हमें सारे के सारे ग्रुप में छः छः क्रोशिया डालकर तीन तीन चेन लेके जाना है। खास याद रखना कि छः क्रोशिया का ग्रुप बनेगा और तीन तीन चेन बीच में ली है मैंने। लास्ट में दो डालना है, तो ये कुछ इस तरह दिखता है, दो चार छः, दो चार छः, लास्ट में दो डाला है तो छः होगा। तो ये राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट और लास्ट को स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लिया है और दो चेन लेके नेक्स्ट राउंड शुरू कर रही हूँ। तो इसमें भी सेम रखना है, बट यहाँ हमें छः बार वन 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 क्रोशिया लेना है और लास्ट वाले में दो क्रोशिया और डालना है। तो यहाँ टोटल हमारा कितना होगा, आठ होगा, आठ क्रोशिया डालना है हमें, तो आठ होगा, काउंट कर लेना है, छः हो गए और बाद वाले में टू क्रोशिया डालेंगे तो टोटल होगा एट क्रोशिया। तो यहाँ हमें लास्ट में दो डाला तो दो चार छ आठ, लास्ट में आठ हो गए। तो ये हमारा आठ वाला राउंड, सारे के सारे आठ आठ बुन के चलना है। तीन चेन लेनी है, बाद में फिर से वन 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 वन, सिक्स टाइम वन वन डालना है और लास्ट में हमें दो क्रोशिया डालना है। तो सारा राउंड हम आठ आठ क्रोशिया डाल के चलेंगे और बीच में तीन तीन चेन लेंगे। तो ये हमारा आठ आठ का राउंड होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ आठ वाला पूरा कर लिया है, हम नेक्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं। दो चेन लेके स्टार्टिंग नेक्स्ट राउंड करेंगे और फिर से हम एक एक क्रोशिया डालते चले जाएंगे, वन वन। तो यहाँ हमें आठ बार वन वन लेना है और लास्ट में दो क्रोशिया डालना है। तो हम एक एक क्रोशिया डाल के चलेंगे तो टोटल दस क्रोशिया होगा। यहाँ हम दस क्रोशिया डालेंगे। छेला जो है उसमें हमें दो क्रोशिया डालना है। यहाँ हम दो क्रोशिया डालेंगे, दो क्रोशिया बुनने के बाद तीन चेन लेंगे, फिर से हम जो पहले बुना था वैसे ही आठ बार हम वन 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 सिंगल एक एक लेंगे और लास्ट में हम दो क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ टोटल दस क्रोशिया बन जाएगा। तो यहाँ मैं दस क्रोशिया डालती हूँ। तो सारे के राउंड में हमें 10 10 डालना है, काउंट कर लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल 10 होना चाहिए। तो ये राउंड सारा हमें 10 क्रोशिया डाल के पूरा करना है। तो यहाँ मैंने पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे, दो चेन लेके नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे।
पता चला तो मैंने 12 वाला राउंड भी पूरा कर लिया है। लास्ट में 10 के ऊपर 12 वाला राउंड आएगा, तो ये मेरा 12 वाला राउंड है। अब 12 के बाद हम नेक्स्ट 14 वाला बुनेंगे, तो ये हमारा टोटल जो ये पैटर्न बनी है उसमें 7-8 राउंड बन गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम तो जो बढ़ा रहे थे उसमें हम अब कटौती करेंगे, तो लास्ट में जो 2 डाले थे वो हम 2 नहीं डालेंगे, कट करते जाएंगे। तो यहाँ हम पहले से ही 1-1 डाल रहे हैं, सभी में 1-1 ही डालना है। लास्ट में जो हम 2 बना रहे थे वो हम नहीं बनाएंगे, तो अब देखेंगे कि वो लास्ट वाला 2 है इसमें हम छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने वो लास्ट वाला 2 छोड़ दिया है, 2 चेन ली है, और जो पहले 3 चेन ली थी उसमें हम 3 डालेंगे, 3 क्रोशिया। तो ये नई पैटर्न है हमारी, 3 क्रोशिया का एक अलग से ग्रुप होगा। तो हम जो आगे वाला राउंड में लास्ट वाला 2 था उसमें हमने चेन ली, और फिर से हम 1-1 करके चले जाएंगे। जो आगे की पैटर्न है वही है, बट लास्ट में थोड़ा चेंजेस करना है। लास्ट में हमें जो 2 है उस पर चेन लेनी है, और जो आगे वाली चेन का राउंड था उसमें हमें 3 क्रोशिया डाल देना है। तो हमें यहाँ भी 1-1-1 हमने डाल दिया है, सभी में 1-1 डालकर चलना है। यहाँ मैं सभी में 1-1, 1-1 क्रोशिया डाल देती हूँ, तो यहाँ मेरी पैटर्न कुछ इस तरह बनेगी। 1-1-1-1 और लास्ट 2 लेफ्ट करना, मीनिंग मैं छोड़ देना है उस पर, हमें नहीं बुनना है। तो अब हमें टोटल हमारा 13 क्रोशिया है, और 2 चेन लेंगे, फिर से जो आगे वाली चेन का राउंड में हम 3 क्रोशिया डालेंगे, 3 क्रोशिया लेके फिर से हम 2 चेन लेके, अब फिर से 2 चेन लेके हम फिर से 1-1 क्रोशिया वाला जो आगे के पैटर्न थी वही 1-1-1 13 टाइम हम बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारा राउंड बुनने की कोशिश की है, तो ये मेरा नेक्स्ट पैटर्न है। बीच में 3 क्रोशिया वाला ग्रुप आएगा, तो हम 2 चेन 3 क्रोशिया, 2 चेन 3 क्रोशिया, तो ऐसा राउंड हम पूरा कर लिया है। अब मैं क्या करना है, 13 क्रोशिया के ऊपर अब नेक्स्ट राउंड बुनना है, वो उसमें भी लास्ट वाला 2 है वो छोड़कर 11 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ हम नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले ये राउंड स्लिप नोट लेके ज्वाइन कर लेंगे, फिर से 2 चेन लेके शुरू करेंगे। यहाँ हम फिर से 11 टाइम मेरी पहली जो वो पैटर्न है उसमें थोड़ा गलत हुआ है, बट आप गलत मत करना, 11 टाइम क्रोशिया डालना है। लास्ट 2 छोड़ देना है, ये लास्ट वाला 2 है उसमें छोड़ देना है, 2 छोड़ देना है, 2 चेन लेना है, सॉरी 2 चेन लेके यहाँ हमें 3 क्रोशिया डालना है, फिर से 2 चेन लेना है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने 3 क्रोशिया 2 बार डाला है, फिर से 2 चेन लेनी है, तो ऐसे कुछ दिखते हैं, फिर से 2 चेन लेनी है, और जो पहले बुना था वैसे ही करना है। पहला राउंड में 13 बार हुआ था, अब 11 बार होगा, जो सॉरी ये मेरा थोड़ा गलत हुआ है, अब ये सही तरह है,
दूसरी पैटर्न सही है, तो इसमें हमें 1 1 1 1 वैसे करके 11 टाइम्स 1 ना, मीनिंग में 11 बार हमें 1 1 लेना है, और लास्ट जो 2 है वो छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने 11 टाइम 1 1 डाल दिए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, सॉरी 12 है, मेरी गलती है, 12 है, पहले मैं भी 11 है क्योंकि वहाँ पे 2 चेन लेती हूँ तो थोड़ा क्रोशिया लेना भूल जाती हूँ, तो 11 टाइम। यहाँ पे 12 टाइम को बुनना है, 12 टाइम के बाद 2 चेन लेनी है, फिर से ये लास्ट 2 है वो छोड़ देना है, 2 चेन लेनी है, 3 क्रोशिया बनाना है, 2 3 फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से 3 क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और बारह क्रोशिया डालना है, जैसे तैसे ही हमें 12 क्रोशिया डालना है, पहले से ही शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 चेन लेके 3 क्रोशिया डालना है। आप 12 क्रोशिया लेंगे या 11 लेंगे, सभी पैटर्न में फिक्स रखना, क्योंकि मेरे यहाँ पे कहीं कभार 1 आगे वाला काउंट कर लिया है तो 11 होगा, लास्ट में मैंने 3 छोड़ दिया अभी तो 11 हो गया, दूसरे में ही 12 चला गया है, अब हम 11 11 लेंगे, तो यहाँ हम सभी में 11 11 कंफर्म करेंगे, तो ये हमारा राउंड ऐसे पूरा हुआ है, तो 11 11 मैंने सभी में डाला है, एक में ही 12 चला गया है, तो कोई बात नहीं, आप फिक्स करके चलेंगे, सभी में 11 11 डालेंगे, और जो 3 3 का ग्रुप है उसमें 2 है, और यहाँ मैंने अब आपको पता चला कि लास्ट वाला 2 छोड़ के चलना है, तो सभी राउंड में लास्ट में 2 चल के और 3 का ग्रुप है वो बटा के चलना है, तो यहाँ अब मैं आगे का बता नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने वीडियो सभी का नहीं बनाया, और नेक्स्ट में आगे थोड़ी चल गई हूँ। तो ये हमारा 3 3 का ग्रुप भी शुरू हो गया है, 3 का 3 ग्रुप बन गया है, वैसे ही हमें 3 का 3 ग्रुप बनाना है, 2 चेन, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम गए हैं, लास्ट 2 वाले थे वो हमने छोड़ दिए, तो यहाँ हमें टोटल 11 के बाद 9 का लिया है, और बाद में हम 3 का ग्रुप 3 डालेंगे, तो 2 चेन 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया फिर से 2 चेन 3 क्रोशिया
फिर से हम जो पहले पैटर्न थी वही, तो हम सभी में दो 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 कटौती करेंगे, तो वो जो पैटर्न में काजू कतरी बन रही है वो कट हो रही है, मीनिंग में उसमें कम हो रहा है, और तीन का ग्रुप है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ हम अब नेक्स्ट में तीन का ग्रुप में 1 2 3 4 5 बनेंगे। तो ये ऐसे ही आपको चले जाना है, 9 के बाद 7 आएंगे, 7 के बाद 5 आएंगे, 5 के बाद 3 आएंगे। तो यहाँ हमारा कुछ इस तरह पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा टोटल लास्ट में 3 वाला पैटर्न आ गए हैं। तो देखिए हमें इस तरह कुछ दिखता है। तो ये थोड़ा शेप में राउंड नहीं होगा, क्योंकि अब जो काजू कतरी बुन रहे हैं वो उसमें दो दो कटा, मीनिंग में दो दो कम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वहाँ पे शार्प हो गए। तो ये राउंड हम स्लिप नॉट से जॉइंट कर लेंगे, और बाद में हम फिर से क्रोशिया डालेंगे। यहाँ मैंने 3 क्रोशिया डाला है, अब हम बढ़ा रहे हैं, जो वो पैटर्न है उसमें बढ़ा रहे हैं। 3 के बाद हम 5 करेंगे, 4 क्रोशिया डाला और 2 वाली चेन का अलग से। तो हम यहाँ 2 चेन लेते थे, वहाँ पे 3 चेन लेके 3 का ग्रुप अब हम कम कर लेंगे। फिर से 3 क्रोशिया 2 चेन, 3 क्रोशिया 2 चेन, वो है वो। अब हम धीमे धीमे आस्ते आस्ते कट कर, मीनिंग में कम करते जाएंगे। पहले हमने काजू कतरी को कम किया, बढ़ाया, फिर से कम किया, अब हम 3 का ग्रुप बढ़ा रहे थे तो अब हम कम कर रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। फिर से वहाँ पे हमें 3 क्रोशिया का ग्रुप में हमें कम करना है। और यहाँ हम जो पहले काजू कतरी में 3 क्रोशिया डाल रहे थे, वहाँ हम अब 4 क्रोशिया डालेंगे, उस पर हम 4 क्रोशिया डालेंगे, एक बढ़ा देंगे आगे और पीछे कहीं भी सेट करके 3 पर 4 कर बुन लेंगे, 3 पर 4 बुन लेंगे। फिर से हम लास्ट में हमने 2 डाल दिया, तो टोटल 7 क्रोशिया हो गए। जो पहले 3 का ग्रुप था उसमें 2 डाला, 5 में ऊपर 5 डाला, तो फिर से 7 का ग्रुप हो गया। ये 7 हो गया टोटल, देखो 7 थे। फिर से 2 चेन 3 क्रोशिया डालना है हमें। तो कुछ इस तरह दिखेंगे। फिर से 3 पर 5 डालना है, और जो भी ग्रुप जैसे करना था वैसे 5 तीन तीन है वो तो हमें बुनना ही, 2 चेन 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया डाल के चले जाना है। तो यहाँ मैंने 3 क्रोशिया 2 चेन वाला पूरा कर लिया है। अब हमें 2 क्रोशिया उसके साथ ही ज्वाइन कर लेना है, 2 क्रोशिया, फिर से उस पर 5 डाल देना है, तो टोटल 7 हो, टोटल 7 हो जाएंगे। लास्ट में 2 डालेंगे, तो टोटल कुछ इस तरह पैटर्न बनेगा। लास्ट में 6 5 का ग्रुप है, 3 जो हमने बनाए, 3 3 है वो 5 है, और ये टोटल 6 है, 7 है, सॉरी 7 या 6 को भी जैसे आप बढ़ाते हैं वो फिक्स रखो, 7 रखो तो 7 ही, यहाँ पे 6 है तो 6 मैंने बढ़ाया है, टोटल 7 हो गए। तो
तो ये हमारा टोटल 3 क्रोशिया वाला 5 ग्रुप बचे हैं, और जो कतरी काजू कतरी वाला पार्ट है वो उसमें 7 क्रोशिया डाल देना है। ये सारे के सारे राउंड में 3 का 5 ग्रुप बनेगा, 5 और 7 डालना है काजू कतरी पर। तो ये हमारा टोटल, ये राउंड हमारा 2 डाल देंगे यहाँ पे हम, 1 DC या 2 DC लेके चेन काउंट करें तो 1 ही डाले। तो ये राउंड हमारा 1 पूरा हो गया। तो देखो कुछ इस तरह दिखता है, कुछ ऐसे पैटर्न बनेगी। टोटल 3 है वो 5 ग्रुप, 3 का 5 है और 7 क्रोशिया डाले हैं मैंने, जो काजू कतरी पैटर्न है उस पर 7 क्रोशिया डाला है। तो ये यहाँ थोड़ा पहला में थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि वो बीच में से जो राउंड शुरू होते हैं, तो यहाँ हम फिर से 1 क्रोशिया डालेंगे। जो पहले हमने लेके जाते थे वैसे ही करना है। अब हमें ये इस पैटर्न को बढ़ाना है, तो हम सभी में 1 एक क्रोशिया डालेंगे और यहाँ हम लास्ट में 2 क्रोशिया डालेंगे। लास्ट में 2 क्रोशिया डाला है, फिर से हमें 2 चेन लेनी है, 3 क्रोशिया डालना है, 2 चेन लेनी है, 3 क्रोशिया डालना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह पैटर्न बनेगा। जो आगे के राउंड में 5 ग्रुप बने थे 3 का, अब हम कम कर देंगे, तो कम करके अब 4 ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ हमारा ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। 4 ग्रुप के बाद हम फिर से 2 चेन लेके 4 बन गए। अब हमें 2 क्रोशिया यहाँ ही 2 क्रोशिया डाल के सीधी पैटर्न ज्वाइन कर लेनी है। तो ये हमें पहले में 2 क्रोशिया डाल के फिर से ज्वाइन कर ली, तो यहाँ हमारी काजू कतरी बढ़ जाएगी। अब हम फिर से ये एक एक क्रोशिया डाल के जो पहले चले आए हैं वैसे ही एक एक क्रोशिया डाल के चले जाएंगे, और लास्ट में हमें 2 डालते हैं वैसे ही हमें 2 डालना है, बीच में एक एक डालना है। तो यहाँ हम 2 क्रोशिया डालेंगे। फिर से 2 चेन 3 क्रोशिया, फिर 2 चेन 3 क्रोशिया, 2 चेन 3 क्रोशिया पैटर्न बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें वैसे ही आगे 2 क्रोशिया डालना है और पीछे 2 क्रोशिया डालना है, और जो आगे वाली पैटर्न में जो थे वो पर तो हमें एक एक क्रोशिया ही डालना है। तो थ्रू आउट राउंड हम ऐसे ही बुन कर चले जाएंगे। तो यहाँ हमारा 3 वाला ग्रुप था वो 4 हो जाएंगे क्योंकि एक कम हो जाएंगे, और 3 जो हम काजू कतरी में डाल रहे थे वो हमें आगे 2 डालना है और पीछे 2 डालना है, तो ये वो बढ़ जाएंगे। 7 के बाद अब 9 वाला राउंड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने आगे 2 गुना फिर से एक एक क्रोशिया तो हमें डालना ही है, हम सभी में एक एक क्रोशिया डालेंगे, और जो सभी में एक क्रोशिया डालने के बाद लास्ट में भी हमें पहले की तरह 2 क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 क्रोशिया डाला है, तो हमारी यहाँ फिर से पैटर्न बढ़ने लगी है। तो ये पैटर्न कुछ ये राउंड में हमें कुछ ऐसा राउंड दिखेगा, जो 3 का ग्रुप है वो 4 हो जाएगा, और जो 7 के बाद अब हमें 9 लेना है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, बढ़ गए 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 हो गए। तो यहाँ हमारा काजू कतरी में 9 हो गए और 3 का ग्रुप जो है वो 4 हो गए। तो ये सेम वैसे ही हमें आगे का राउंड बुनना है, टोटल पहले और लास्ट में 2-2 डालना है। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह बनाना है। तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे, और आपका थालपोस में भी बाउल की तरह थोड़ा उबलने, मीनिंग में बाउल तरह थोड़ा
बाउल बनता जाएगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में थोड़ा क्रोशिया बढ़ने लगेगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा थोड़ा बाउल की तरह दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, बढ़ेगा। तो यहाँ दो के बाद तीन, तीन के बाद दो, वैसे ही जो तीन का ग्रुप था वो कम हो रहा है, और नाइन के बाद इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन, वैसे मेरा जो काजू कतरी वाला पैटर्न था वो बढ़ रहा है। तो यहाँ जो तीन का ग्रुप था वो दो हो गया, और काजू कतरी में जो लास्ट में नाइन थे तो इलेवन हो गए, और बाद में थर्टीन हो गए, जो दो के तीन तीन वाले ग्रुप दो हो गए। तो काजू कतरी के दो दो आगे और पीछे बढ़ने के बाद थर्टीन हो गए, मीनिंग में तेरह हो गए। तो यहाँ टोटल तेरह होंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड बुनेंगे, तो नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, सारे के सारे पैटर्न में हमें वन वन डाल देना है, लास्ट में हमें थ्री डालना है, क्योंकि बाउल जो रुमाल है वो बाउल होता जा रहा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और एक डाल देंगे, इसलिए हमारा राउंड मीनिंग में जो थालपोस है वो बाउल की तरह नहीं बनेगा। तो यहाँ हम तीन चेन डालेंगे, फिर से तीन क्रोशिया डालेंगे, फिर से तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेके लेने के बाद हम फिर से इसमें तीन क्रोशिया डालेंगे। एक वैसे ही मैं चेन पर ले लिया है, और दो मैंने वो पहले वाले में डाला, तो लास्ट में और पहले पहले में हमें तीन तीन डालना है। आगे के राउंड में हमें दो दो डाला था, उसकी जगह हम यहाँ पे तीन तीन डाल रहे हैं, और जो एक एक डाले थे वही तो हम एक एक ही डालेंगे। तो यहाँ सभी में हमें एक एक डालना है, तो सारा का सारा राउंड वैसे ही हमें आगे और पीछे तीन तीन क्रोशिया लेना है, और जो बीच में काजू कतरी में एक एक है वहाँ पे हमें एक एक डाल के पूरा करना है। सारा राउंड हम वैसे ही बुनेंगे, तीन तीन आगे पीछे और बीच में वन वन एक एक डालेंगे। तो ये मेरा लास्ट वाला है, तो हमें तीन डालना है। तो यहाँ मैंने एक दो और तीन, तीन मैंने चेन पर ले लिया, क्योंकि ये एक साथ तीन डालने के अच्छा कि मैं चेन पर बुन लूँ। तो फिर से तीन चेन, तीन क्रोशिया, फिर से तीन चेन, फिर से हमें एक चेन पर लेना है, और दो जो आगे वाला क्रोशिया है उसमें ही ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने दो उसमें डाल दिया, तो सारा का सारा राउंड हमें ऐसे आगे पीछे तीन तीन बटाना है, और बीच में जो वन वन है एक एक है उसमें एक। तो ये हमारी कुछ इस तरह पैटर्न दिखेगी, पहले वन लास्ट में वन, वैसे कुछ स्क्वेयर बनेगा। तो यहाँ मैंने सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है, थालपोस थोड़ा बाउल की तरह बन रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट पैटर्न अच्छी तरह से अच्छी बुन लेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ सारा राउंड मैंने वन 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 से बुन लिया है, तो ये कहीं कभार मैंने दो दो डाल दिया है, क्योंकि बाउल बन रहा था ना, तो दो दो डाल देंगे, बीच बीच में दो दो डाल देंगे। यहाँ मैंने दो दो, फिर से दो, थोड़े थोड़े अंतर पे दो दो डाल दिए हैं, तो ये देखो स्ट्रेट हो गए, सीधा हो गया ना। तो यहाँ मैंने सारा राउंड में वैसे ही कर लिया है, तो पैटर्न ऐसी बनी है। वन का राउंड मैक्सिमम कहाँ तक, सिक्स तक गया था, तीन क्रोशिया का जो मैक्सिमम सिक्स ग्रुप बना था, और बाद में फिर से कम कर दिया गया। तो देखो यहाँ थोड़ा थालपोस थोड़ा बाउल जैसे थोड़ा अभी भी सीधा नहीं हुआ, तो यहाँ हमें थोड़ा और बढ़ा देना है, दो 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 क्रोशिया डालना, तो थोड़ा स्ट्रेट हो जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट राउंड है वो सारे के सारे राउंड में जो पैटर्न है वहाँ पे है
वन क्रोशिया ही है, वन एक एक क्रोशिया ही डालना है सभी, मीनिंग में एक एक क्रोशिया का ही है, बट हम बीच बीच में जो बाउल हो रहा है इसलिए हम दो दो क्रोशिया, तीन क्रोशिया डालने के बाद दो क्रोशिया वाला एक डाल देंगे। तो सिंगल सिंगल हम एक एक में तीन बार डालने के बाद हम दो बार यहाँ दो क्रोशिया डाल देंगे। तो सारा राउंड में हमें तीन बार एक एक क्रोशिया डालना है और बाद में हमें दो दो क्रोशिया डालना है। तो हम यहाँ पे पॉसिबल जहाँ तक शक्यता है तहाँ तक हम एक एक और एक 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 डाल के बीच बीच में कहीं कभार दो डाल देते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो तीन चेन थी उस पर ही तीन क्रोशिया डाल देना है और जो तीन का ग्रुप था उस पर हमें तीन चेन लेनी है। सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा रोंग कर दिया है, बट नहीं काट लेती हूँ, निकाल देती हूँ। उस पर हमें तीन चेन लेनी है, तो यहाँ मैं तीन चेन लेती हूँ। तीन चेन लेने के बाद यहाँ से फिर से हम तीन क्रोशिया डाल देंगे। तीन चेन लेने के बाद हम यहाँ तीन क्रोशिया डाल देंगे, एक दो तीन। फिर से हमें सभी पर एक 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 क्रोशिया लेना है, बीच बीच में हमें दो दो क्रोशिया लेके चले जाना है, क्योंकि बाउल जो हो रहा है वो बाउल ना हो। तो एक सारे के राउंड में हमें तीन वाला ग्रुप है उस पर ही तीन चेन लेनी है। सारा राउंड में हमें पूरी तरह एक एक दो एक एक दो, वैसे कहीं कभार दो डालना है, जो आपको पता लगे कि यहाँ थोड़ा मुझे ज़रूरत है तो डालना है। फिर हम एक एक क्रोशिया बुनकर चले जाएंगे। तो यहाँ मैं सभी जगह पे एक एक क्रोशिया डालती हूँ और कहीं दो बारह तीन क्रोशिया एक एक बार नाक डालने के बाद मैं यहाँ पे दो लेती हूँ। तो आपके रूमाल मीनिंग में आपके थालपोज के हिसाब से आप चले जाएंगे। तो तीन बार में एक एक क्रोशिया डालने के बाद मैं दो क्रोशिया डाल देती हूँ। तो यह दो हो गए, ये मेरा तीन हो गया और नेक्स्ट में अब मैं दो डाल दूँगी। तो तीन बार में एक एक क्रोशिया डालने के बाद फोर्थ चौथे में मैं दो क्रोशिया डाल देती हूँ। तो मेरा यहाँ जो पैटर्न थोड़ा बाउल हो रहा था वो अब बाउल नहीं होंगे। तो मैंने जो तीन क्रोशिया सिंगल डाला और बाद में टू डाला, फिर से वैसे ही करना है मुझे, तीन सिंगल बार लेना है और बाद में दो डालना है। तो वैसे ही सारे के सारे राउंड में बुन लेना है और जो तीन का ग्रुप है उस पर हमें तीन चेन लेनी है, बाकी सारे के सारे में हमें क्रोशिया डालना है। तो तीन चेन पर तीन क्रोशिया डालने के बाद फिर से हमें चार क्रोशिया मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं क्योंकि उबल बाउल हो रहा है तो सीधा हो जाएगा। फिर से हमें तीन चेन लेके सारी की सारी पैटर्न पहले जो हमने बताई वैसे ही बुनना है। तो देखो कुछ पैटर्न इस तरह देखेगी, जो तीन का ग्रुप है उस पर ही तीन चेन आएगी, बीच में सारा का सारा राउंड है वो एक दो बीच में जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे हमें एक दो क्रोशिया डाल देना है। तो ये हमारा देखो तीन की चेन, तीन की चेन, तीन की चेन, नाइन हमारी काजू कतरी है तो नाइन बार आएगी और बीच में हमें देखो अब स्ट्रेट हो गया, सारा राउंड पूरा भी हो गया और स्ट्रेट भी हो गया। देखो पैटर्न अच्छी तरह से दिख भी रही है। नेक्स्ट राउंड में तो तीन की चेन थी उस पर ही हमें चार क्रोशिया डाल देना है और आगे के राउंड में हमें जो लिया था वो भी हमें वैसे ही बुन कर चले जाना है, एक एक क्रोशिया डाल के चले जाना है। और आपको अच्छा लगे तो दो जो बाउल हो रहा हो तो दो क्रोशिया डालना है, वरना आप एक एक क्रोशिया लेके चले जाए, कहीं कहीं दो दो चेन सॉरी दो दो क्रोशिया डाल देना, वरना एक एक क्रोशिया लेके चले जाएंगे। तो सारे के सारे रूम थालपोस में कहीं भी चेन नहीं आएगी, सारे के सारे थालपोस में इस राउंड में क्रोशिया ही आएगा। तो ये हमारा पूरा राउंड क्रोशिया ही क्रोशिया है। तो कहीं कहीं जगह पे सा आठ
सात आठ लेने के बाद हम दो क्रोशिया डाल रहे हैं, वरना हम एक एक क्रोशिया ही ले रहे हैं। तो यहाँ मेरा कुछ पैटर्न इस तरह बन रहा है। चेन जो आगे वाला राउंड में चेन था उस पर ही हम अब क्रोशिया डाल रहे हैं, तो पैटर्न कुछ इस तरह बनेगी। तो सारा राउंड हमें क्रोशिया क्रोशिया बनाना है, बीच में चेन कहीं भी नहीं डालनी। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ मेरा ये राउंड पूरा हो गया है, सारे के राउंड में मैंने क्रोशिया ही डाला है। और अब जो धागा है ये कट कर लेना है, और अब दूसरी पैटर्न शुरू होंगी। उसमें हमें रेड कलर का फ्लावर बुनना है। ये फ्लावर मैंने दूसरा एक थालपोस है उसमें ये फ्लावर बुना है। तो मैं आपको इस फ्लावर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको नीचे मिल जाएगी लिंक ये फ्लावर कैसे बुनना है। और अब मुझे क्या करना है, इस फ्लावर पर ऐसे ग्रीन वाली पैटर्न बनाना है। तो इसमें क्या करना है, जो आठ पंखुड़ी है उसमें एक बार छः डालना है और एक बार तीन डालना है, एक बार छः डालना है और एक तीन, वैसे स्क्वेयर वाली पैटर्न बनाना है। तो हम इस जो पैटर्न है उसमें उसको हमें इस थाल पोस के साथ वैसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन फिर से हमें वो ऑफ वाइट वाला क्रीम कलर का धागा है वैसे ही करना है। तो ये देखो ये कैसे बनती है। तो ये मेरा प्लेन फ्लावर है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो अब वो कैसे बना, ऐसी पैटर्न कैसे बनाना है ये देख लो। तो ये कुछ ऐसे स्क्वायर बनाना है, चौरस बनाना है। तो हम पहले ये आठ पंखुड़ी है तो हम उसे पहले देखो एक नोट लगा के उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम उसको नोट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये पहली पंखुड़ी है हमारी, तो यहाँ मैंने उसको नोट लगा के फ्लावर के साथ तीन चेन ली है। यहाँ मैंने देखो यहाँ मुझे तीन क्रोशिया डालना है। तीन क्रोशिया डाला मैंने, फिर से हमें दो चेन लेनी है और फिर से तीन क्रोशिया डालना है। इसमें ही सेम वो जो पंखुड़ी है उसमें ही, इस पेटल्स में ही मुझे फिर से तीन क्रोशिया डालना है। तो ये हमारी कॉर्नर बनेगी, जो हमारा स्क्वेयर वर्क बनाना है उसकी ये हमारी कॉर्नर। फिर से हमें एक चेन लेने के बाद फिर दूसरी पंखुड़ी में जाना है। यहाँ मुझे ओनली खाली थ्री क्रोशिया ही डालना है। तो यहाँ मैं थ्री क्रोशिया डालूंगी, फिर से एक चेन ले लूंगी, फिर से इस पंखुड़ी में मुझे ये तीसरी पंखुड़ी है, तीसरी पंखुड़ी में मुझे छह क्रोशिया डालना है। तो पहले थ्री क्रोशिया ले लूंगी, फिर से दो चेन ले लूंगी, फिर से तीन क्रोशिया डाल दूंगी। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा, कोना बनेगा, दूसरा कोना है हमारा जो हम स्क्वेयर बना रहे हैं। तो फिर से एक चेन लेके फिर से जो फोर्थ वाली पंखुड़ी है उस पर जाना है। तो इसमें मुझे खाली थ्री लेना है, फिर से एक चेन लेनी है, फिर से छः क्रोशिया डालना है। मेरा तीसरा कोना है जो वर्ग है, स्क्वायर है इसका। तो इसमें मुझे तीन लेने के बाद दो चेन लेनी है और तीन क्रोशिया फिर से डालना है। तो ये मेरी चौथी कॉर्नर बनेगी, चौथा कोना है मेरा, तीसरा कोना ये मेरा तीसरा कोना है। एक चेन लेके फिर से मुझे तीन डालना है। तो यहाँ मुझे एक में छः तीन, दो चेन तीन लेके और बीच में जो है उसमें तीन क्रोशिया डालना है, और कॉर्नर वाले है उसमें मुझे छः क्रोशिया डालना है। छः क्रोशिया मुझे तीन क्रोशिया लेने के बाद बीच में दो चेन लेनी है। तो यहाँ मुझे ये चौथा कॉर्नर है तो उसमें मुझे तीन क्रोशिया फिर से दो चेन और तीन क्रोशिया।
तो ये मेरा चौथा कोना बन गया। फिर से एक चेन और इस मेरी आठवीं पंखुड़ी है तो उसमें मुझे तीन क्रोशिया डालना है और स्लिप एक चेन लेके स्लिप नोट लेके जो पहली कॉर्नर बुनी थी उसके साथ छह वाला जो ग्रुप था उसके साथ मुझे ज्वाइन कर लेना है। तो ये मेरा कुछ ऐसा चार कोना वाला पैटर्न बन गया। देखो छ तीन छः तीन छः तीन छः तीन छः तीन वाला पैटर्न है। तो देखो ये मेरा आगे बुना हुआ थाल पोछे और ये मैंने सारे के सारे जो फ्लावर थे उसमें मैंने इस तरह स्क्वायर बना ली है। ग्रीन वाला नीला वाला पैटर्न बुनकर मैंने बुन लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, ये इस तरह ज्वाइन करना है क्रीम कलर से, मुझे इस तरह ज्वाइन करना है। तो हम पहला एक फ्लावर ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो ये मेरा स्लिप नॉट लगाकर मैंने ग्रीन वाला पार्ट था उस साथ ज्वाइन कर लिया है। फिर से दो चेन ली है, तीन क्रोशिया डालना है। अब हमें एक चेन लेनी है, फिर से तीन क्रोशिया डालना है। फिर से एक चेन लेनी है, फिर से तीन क्रोशिया डालना है। फिर से एक चेन लेनी है, फिर से अब यहाँ हमें खास याद रखना है तीन क्रोशिया डाल देंगे, फिर से एक चेन लेंगे और वो चेन लेने के साथ ही हम जो हमारा ओरिजिनल थाल पोछे है राउंड वाला उसके साथ हमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कैसे करना है, ये चेन ली मैंने और इसके साथ हम जो चेन है उसके साथ ही हम उसको बस ऐसे इंटरफेस करके हम स्लिप नॉट लगा लेंगे और एक चेन लेके फिर से वहाँ वो कोना में ही हम फिर से तीन क्रोशिया डालेंगे। तो ये से ज्वाइन हो गया, देखो ओनली स्लिप नॉट लेके मैंने ज्वाइन कर लिया है इसके साथ। फिर से हमें क्या करना है, उसके साथ एक दो तीन तीन छोड़कर फिर से हमें वो जो थाल फोस गए उसके साथ कनेक्ट कर लेना है और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें तीन डाल देना है, तीन क्रोशिया बना लेना है। ये हमारा तीन क्रोशिया वाला ग्रुप है। फिर से हम थाल पोस में एक दो तीन छोड़कर वहाँ हम इंटरफेस कर लेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया, हम आधा क्रोशिया या स्लिप नॉट लेके ज्वाइन कर लेंगे और फिर से हम आगे वाले में तीन डालेंगे। फिर से हम थाल पोस का तीन छोड़ देंगे, एक दो तीन, और वहां पे हम फिर से एक नॉट ले धागा निकाल कर आधा क्रोशिया डाल देंगे और वहां पे हम फिर से तीन ले लेंगे। यहाँ हम तीन डाल लेंगे और फिर से हम थाल पोस में तीन छोड़कर फिर से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये तीन छोड़कर यहाँ मुझे फिर से आधा क्रोशिया डाल देना है। खास याद रखें, आप इस वीडियो में देखकर नोट निकाल कर मीनिंग में लूप निकाल कर कनेक्ट करें, फिर से तीन क्रोशिया डालना है। और ये हमारा जो ऐसे देखो चार बार कनेक्ट हुआ, ये अब हम मुझे जो स्क्वायर की दूसरी ओर बुन कर जाना है, जो पहले बुना था वैसे ही बुन कर जाना है। तो यहाँ हमें
एक चेन तीन क्रोशिया, एक चेन तीन क्रोशिया वैसे बना लेना है। तो है यहाँ मैं तीन क्रोशिया के बाद एक चेन लेती हूँ और फिर से तीन क्रोशिया डालती हूँ। अब ये हमारा लास्ट वाला कॉर्नर है, इसमें हम तीन क्रोशिया डालते हैं। अब तीन क्रोशिया डालने के बाद अब हमें एक चेन लेके दूसरा फ्लावर लेना है। दूसरा फ्लावर को इस कॉर्नर के इस फ्लावर के साथ पहले ज्वाइन करना है, बाद में थाल पोस के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ देखो ये फ्लावर मैंने लिया है, तो अब हमें क्या करना है, जो पहली एज मैंने ज्वाइन की थी वो वैसे ही हमें बुनकर उस फ्लावर की साथ कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ एक चेन ली, फिर से इस फ्लावर की एक कॉर्नर से हम कोने से शुरू करेंगे। तो यहाँ हम तीन क्रोशिया डालेंगे। अब खास याद रखना है हमें बीच बीच में एक चेन लेके, जो पहले वाला फ्लावर में एक चेन ली थी वहाँ पे हमें क्या कर लेना है, कनेक्ट करके जाना है। आधा क्रोशिया डालकर हमें कनेक्ट करके जाना है। तो ये हमारा फिर से पहले फ्लावर के साथ जो जॉइंट होने के बाद देखो, अब फिर से हमें जो दूसरा फ्लावर है उसमें ही तीन क्रोशिया डालना है। फिर से हमें पहला वाला फ्लावर है उसमें यहाँ पे फिर से हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर से हमें तीन क्रोशिया दूसरे वाले फ्लावर में डालना है। फिर से हमें पहला वाला फ्लावर में वहाँ पे इंटर कनेक्ट कर लेना है। फिर से हमें कॉर्नर में तीन क्रोशिया डालना है। अब हम फ्लावर में नहीं, अब हम जो ये लास्ट वाली कॉर्नर है, लास्ट वाला ग्रुप है, तो इस अब हम एक चेन लेके थाल पोस में जो पहला फ्लावर कनेक्ट किया था वहाँ बाजू में ही देखो ये दूसरी है, पहले के बाद वहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ हमारा कनेक्ट हो गया। अब फिर से हम वही कॉर्नर में ही तीन क्रोशिया डालेंगे। सेम वैसे ही तीन पहला वाला फ्लावर जो मैंने ज्वाइन किया था वैसे ही हमें दूसरा वाला फ्लावर कनेक्ट करना है। देखो वहाँ पे यहाँ पे हमें तीन तीन छोड़कर हमें इस दूसरे वाले फ्लावर को ही पहले जैसे ही कनेक्ट, तो यहाँ फ्लावर को कनेक्ट करना है और फ्लावर को साथ में थाल पोस के साथ भी कनेक्ट करके जाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो पहले वाले फ्लावर की ये कॉर्नर थी उसमें कनेक्ट कर लेंगे, पहले वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, बाद में एक चेन लेके बाद में तीन क्रोशिया लेके यहाँ कनेक्ट होने के बाद थाल पोस में कनेक्ट होंगे। देखो कुछ इस तरह देखेंगे, फिर तीन क्रोशिया डालेंगे। अब हम इस फ्लावर को थाल पोस के साथ कनेक्ट करेंगे, पहले जो किया था वैसे ही। तो आपने पहले देखा जो पहला कनेक्ट किया था वैसे ही अब हमें दूसरा कनेक्ट करना है। तो जैसे ही वैसे कनेक्ट किया वैसे ही मुझे दूसरा कनेक्ट करना है। तो फ्लावर के साथ, फ्लावर थाल पोस के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ देखो अब हम दूसरा फ्लावर तीन थाल पोस में छोड़कर दूसरा फ्लावर कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से तीन डालेंगे, तीन क्रोशिया। फिर से थाल पोस में तीन छोड़कर एक दो तीन इसमें हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे। एक चेन लेके फिर से हम नेक्स्ट वाले हमें तीन डालेंगे। फिर से हम थाल पोस में तीन छोड़कर कनेक्ट करेंगे, एक दो तीन। फिर से हम फ्लावर में जाएंगे,
तीन क्रोशिया डालेंगे, फिर से हम तीन छोड़कर थाल पोस में कनेक्ट कर लेंगे स्लिप नॉट या आप क्रोशिया लेके, आधा क्रोशिया लेके। फिर से हम तीन डालेंगे इस कोनर में ही, इस कोना में हमें तीन डालना है। और हम अब फ्लावर की दूसरी साइड जो पहले बुनी थी वैसे ही हम बुन लेंगे। तो पहले जैसे हमें बुना था वैसे ही हम बुना, तो देखो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो सारे के अब ऐसे सेम सारी की सारी पैटर्न हमें वैसे की बन वैसे ही बना के चलना है। तो हम इसको तीन तीन क्रोशिया डालकर अब बुन ले, और तीसरे वाले फ्लावर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो हम इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ मुझे तीन क्रोशिया लेना है और बीच में एक चेन लेनी है, तीन क्रोशिया लेना है और बीच में एक चेन लेनी है। तो अब ये कॉर्नर है तो इसमें मुझे तीन क्रोशिया लेना है और एक चेन लेके नेक्स्ट तीसरा वाला फ्लावर कनेक्ट करना है। तीसरा वाला फ्लावर सेम जैसे मैंने दूसरा वाला फ्लावर पहला वाला फ्लावर के साथ ज्वाइन किया वैसे ही मुझे करना है। तो आप देखते आगे का वीडियो फिर से देख के दूसरा मैंने जैसे कनेक्ट किया वैसे ही आप कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ मुझे तीन क्रोशिया डालना है पहले, फिर से मुझे दूसरा वाला जो फ्लावर है उसके साथ आधा क्रोशिया डालकर ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ मैंने आधा क्रोशिया डाला, फिर से मैं तीसरा वाला फ्लावर में क्या करूँगी, तीन क्रोशिया वाला ग्रुप बनाऊँगी। तो तीन क्रोशिया डालूँगी, फिर से हम नेक्स्ट में आधा क्रोशिया लेंगे, दूसरा वाला फ्लावर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तीन क्रोशिया डालेंगे, फिर से हम आधा क्रोशिया डालेंगे और ज्वाइन कर लेंगे दूसरा वाला फ्लावर के साथ। अब ये कोने में हम तीन क्रोशिया डालकर दूसरे वाले जो क्रोश फ्लावर था उसके साथ ही हम ज्वाइन कर लेंगे उसके कोने में ही। तो तीन क्रोशिया डाला, एक चेन लेनी है अब हमें, जो इस कोने की जो चेन थी उसके साथ ही हमें कनेक्ट कर लेना है। और बाद में एक चेन लेके फिर से थाल पोस को भी कनेक्ट कर लेना है। तो अब फिर से तीन क्रोशिया डालकर हमें तीसरा वाला फ्लावर को भी हमें सेम पहला और दूसरा कनेक्ट किया वैसे ही हमें ज्वाइन कर लेना है। फ्लावर थालपोस में तीन तीन बनाकर चले जाना है। तो यहाँ मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने से अब मैं आगे का जो थालपोस का पैटर्न है वो दूसरा वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ तक हम जो बना रहे हैं वो हमारा पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही आपको डाल दूंगी। तो यहाँ देख लो तीन फ्लावर कनेक्ट किए हैं और अब नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें सारे के सारे फ्लावर और बाद में फ्लावर के बाद की पैटर्न सब दूसरे वीडियो में आएंगी। तो थैंक यू गाइज, आप का साथ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी चैनल को लाइक करना मत भूलना। तो हम अब बाकी का थालपोस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।